नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज का फेसबुक पेज और इस वक्त की बड़ी खबर राजौरी से सामने आ रही है, जहां पर जवानों के घायल होने की खबर है और साथ ही साथ मेंढर से भी जवानों के घायल होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। सीधा रुख करेंगे राजौरी का ही। हमारे साथ संवाददाता जमशेद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशेद, सबसे पहले तो पूरी जानकारी जानना चाहेंगे कि आखिर दोनों जगहों पर क्या कुछ हुआ। जी ऐसा बिल्कुल, दोनों जगह एक इंसिडेंट सामने आया जहां एक लैंडमाइन नौशहरा में सेक्टर में ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान जख्मी हुआ है और कुछ और भी इसके साथ जवान थे उस वक्त, क्योंकि इस इलाके में लैंडमाइन काफी अरसा से लगे हुए हैं जिनको सेना की तरफ से निकालने का काम भी किया गया बड़े पैमाने पर। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लैंडमाइन अभी पड़े हुए हैं। इसी तरह का ये इंसिडेंट आज हुआ जिसमें एक जवान जख्मी हुआ। वहीं दूसरी तरफ नौशहरा मेंढर सेक्टर में भी एक जवान जख्मी हुआ जो एक्सीडेंटल फायर हुआ है जिससे ये हुआ है, मगर वो नॉर्मल जख्मी और इस जवान की काफी चोटें आई हैं जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है। हालांकि अगर हम ये बात करें कि लैंडमाइन की बातें पिछले कुछ अरसे से लगातार सीमावर्ती क्षेत्र से सामने आ रही है, क्योंकि सेना की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था इनके खिलाफ नौशहरा सेक्टर में, जहाँ बड़ी तादाद में इनको निकाला गया था, मगर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी भी लैंडमाइन पीछे हुए हैं जिस कारण कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा सामने आता है जिसमें आम नागरिक भी इसमें घायल हुए कई बार और अब सेना के जवान भी इसमें घायल हुए। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो मेंढर के अंदर फायर हुआ है वो किस वजह से हुआ है? जी बिल्कुल, एक एक्सीडेंटल फायर था, जब गन को साफ करने के साथ ये फायर हुआ निकला। इसमें बिल्कुल मामूली सी इंजरी आई है इस जवान को, जवान बिल्कुल नॉर्मल ठीक है, इसको जख्म ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। मगर लगातार अगर सीमावर्ती क्षेत्र में देखें कि इस तरह के वाकये अब सामने आने लगे हैं, क्योंकि जवानों को काफी ज्यादा काम करना पड़ रहा है सीमावर्ती क्षेत्र में, चाहे वो उस तरफ से घुसपैठ की रोकथाम हो या उस तरफ से होने वाली सीज फायर के उल्लंघन के साथ साथ अपने लोगों की हिफाजत करना भी जवानों के लिए, सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी जवान है इनके लिए हर दिन डबल के डबल काम। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूँ जमशेद जी कि जिस तरह से लैंडमाइन को लेकर आपने बात कही है, 1947 के समय पे लैंडमाइन जो है वो बिछाए गए थे, लेकिन आज तक क्या इस पे कोई काम नहीं किया गया है? क्योंकि कभी भी किसी का भी पैर इस पर जा सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। अच्छा, नौशहरा सेक्टर में बहुत बड़ा ऑपरेशन इनके खिलाफ सेना की तरफ से चलाया गया था, मगर सबसे बड़ी बात यह है ऐसा कि ये लैंडमाइन ज्यादा बारिश के दौरान फिसल कर नीचे की तरफ आ जाते हैं, जहाँ ये लगाए जाते हैं वहीं उसी स्पॉट पे नहीं रहते और इनके इस कारण ये आगे पीछे फिसले हुए हैं वो वाले नहीं मिल रहे। कितने जवानों के घायल होने की खबर है? अभी तक एक जवान के घायल होने की खबर सामने आई है, मगर बताया जा रहा है जैसा कि इसमें और भी कुछ जवान है जो घायल हुए हैं, मगर अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसमें एक ही जवान घायल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जी पूरी बातचीत के लिए। और आपने देखा कि जमशेद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से लैंडमाइन जो है वो राजौरी के LOC इलाके पर दबे हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से एक जवान हमारा घायल हो गया है और साथ ही साथ मेंढर में भी एक जवान घायल हुआ है। तो फिलहाल आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।